बॉलीवुड की ग्लैमर को छोड़ने के बाद, बॉलीवुड इंडस्ट्री की इस लाइमलाइट यहाँ की चकाचौंध दुनिया को छोड़ने के बाद, यहाँ की गोल गोल दुनिया और यहाँ की रंगीन मिजाज को छोड़ने के बाद, जिस चिराग पासवान ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव किया, उस चिराग पासवान को आज बिहार में यूथ आइकॉन के तौर पर क्यों जाना जाता है, इसके पीछे कई कारण हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि बीते कुछ समय पहले की बात है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की गुजरने के बाद उनके बेटे चिराग जो हैं, ना सिर्फ अपनी माँ, अपने परिवार और अपने पिता की लेजेसी को संभालने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते नजर आए, भारी मन के साथ, भारी दिल के साथ, लेकिन साथ ही साथ में अपने पिता की पहली पत्नी और उनके पहले परिवार को भी संभाला, सौतेली माँ को भी प्यार दिया। चिराग पासवान का यही दरिया दिली अवतार, यही उनका अंदाज और परिवार को दुख में एक साथ रखने का ये रूप जो था, काफ़ी ज़्यादा अलग साबित कर गए। इस वक्त बिहार इलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं चिराग पासवान। आज हम आपको चिराग पासवान की संपत्ति के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिस पर शायद आपको यकीन ना हो। जी हाँ, इसलिए यकीन नहीं होगा क्योंकि चिराग पासवान अपने पिता यानी कि रामविलास पासवान से ज़्यादा संपत्ति के इकलौते मालिक थे और पिता के जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति दोगुनी में बदल गई है। तो ये सारी बातें कैसे सामने आई, इस पर हम जिक्र करेंगे। तो आइए, हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। चलिए, मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलती हूँ स्पेशल रिपोर्ट की तरफ आपको, और जानते हैं कि चिराग पासवान की नेटवर्थ प्रॉपर्टी इनकम क्या है। देखिए रिपोर्ट। बिहार इलेक्शन को लेकर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक चेहरे तक सब के सब एक न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि जनता के साथ न्याय हो और उसे ही कुर्सी मिले जो उसका हकदार हो। ऐसे में पिछले महीने अपने पिता को खोने के बाद, रामविलास पासवान के निधन के बाद, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद, उनके बेटे इंडियन एक्टर, पॉलिटिशियन और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट यानी कि चिराग पासवान काफी दुखी थे। पिता को खोने के बाद, पिता का सिर से साया उठने के बाद उनकी क्या हालत थी, कितना वो रोए थे अपनी माँ, सौतेली माँ को गले से लगाकर, ये सब ने देखा। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार में यूथ आइकन के नाम से क्यों जाना जाता है चिराग पासवान को, क्योंकि बॉलीवुड में काम करने के बाद जिस चिराग पासवान ने राजनीति में अपना कदम बढ़ाया और राजनीति में रुझान दिखाई, रामविलास पासवान अपनी माँ और अपनी, माफ कीजिएगा, अपने पिता और अपनी माँ रीमा पासवान के साथ राजनीतिक चेहरों के बीच बिहार इलेक्शन में इन दिनों काफी व्यस्त चल रहे हैं। इलेक्शन की तैयारियों में खास तौर पर जनता के बीच नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी की बात की जाए तो इसे लेकर कहा जा रहा है जेडीयू और बीजेपी जो हैं, उनके वोट की वजह से बिहार में एलजेपी चीफ चिराग पासवान को काफी परेशान हो सकती है। ऐसे में उन्हें लेकर तमाम तरह के विवाद आपने सुने। आज हम आपको बता दें कि चिराग पासवान अपने पिता के गुजरने के बाद जो है अपनी पूरी पार्टी का कार्यभार अपने सिर पर उठाकर कैसे चल रहे हैं और इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ये सब जानते ही हैं। इस पार्टी को बचाए रखना और अपने पिता की लेजेसी को मेंटेन करना आसान नहीं है चिराग पासवान के लिए। क्या आपको मालूम है कि गुजरने के बाद, चिराग पासवान के गुजरने के बाद, माफ कीजिएगा, रामविलास पासवान के गुजरने के बाद चिराग पासवान को काफी ज्यादा ही पिछले कुछ दिनों से अपने परिवार से दूर जो है बिहार इलेक्शन में बहुत ज्यादा ही शातिरता पूर्वक जनता के बीच विपक्ष पार्टी के विरोध में बात करते हुए देखा गया। चिराग पासवान जन्मदिन पर जब तेजस्वी को बधाई देते नजर आए थे, तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी ने उन्हें शुक्रिया भाई तक कहा था, जिससे उनके रिश्ते में सुधार तक की बात सामने आ रही थी। लेकिन क्या आपको मालूम है, युवा बिहारी चिराग पासवान जो हैं इस वक्त बिहार इलेक्शन को लेकर इसलिए व्यस्त है क्योंकि उन्हें आगे भी काफी कुछ करना है। खैर,
हम उनकी निजी जिंदगी की बात करेंगे, आज उनके नेटवर्थ की हम बात करेंगे। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में और इतने ज्यादा संपत्ति के वो मालिक है इसके बारे में। गौर हो, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त जब एफिडेविट चिराग पासवान ने भरा था, उस वक्त उनके प्रॉपर्टी की चर्चा हुई थी। हैरानी ये जानकर हुई थी कि अपने पिता, और ये पिता यानी कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से भी ज्यादा संपत्ति के मालिक उनके बेटे चिराग पासवान हैं। ये बात उनके एफिडेविट के जरिए सामने आई थी। तो इसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे, कैसे आके ये सच्चाई सामने आई, डिटेल इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी की। जी हाँ, चिराग पासवान अपने पिता से ज्यादा अमीर है और ये बात तभी तो सामने आ गई थी। लेकिन आज हम आपको बता दें, पिता ने भी बहुत ज्यादा संपत्ति अब अपने बेटे के लिए छोड़ा है, 74 की उम्र में हमेशा के लिए। बसे रामविलास पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मैटरोलॉजिस्ट पॉलिटिक्स के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। अपर हाउस पार्लियामेंट के राज्यसभा में उन्होंने हिस्सा लिया। और इसके बाद पासवान की बात की जाए तो फैमिलिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्हें जाना जाता है, और इसके बाद दलित लीडर के तौर पर उनकी पहचान तो बनी, सूट बूटे दलित लीडर। लेकिन पर्सनल लाइफ में काफी क्रिटिसाइज किए गए, तो शादियों को लेकर ओपोजिशन पार्टी ने उनकी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म की। इसके अलावा चिराग पासवान ने कभी भी इन एलिगेशंस पर ध्यान नहीं दिया परिवार को लेकर। आज हम आपको बता दें कि नॉमिनेशन के दौरान उनके पिता की संपत्ति जो सामने आई थी, जिसके अब मालिक चिराग पासवान है, वो ये है कि 1.5 करोड़ यानी कि 1.42 करोड़ रुपए के मालिक रामविलास पासवान उस वक्त एक साल पहले थे। एसेट्स की बात की जाए तो 1.6 करोड़ एसेट्स सामने आए। इसके अलावा अगर आभूषणों की बात करें, जेवर आभूषणों की बात करें, सोने की बात करें, तो लगभग 21.30 लाख रुपए की संपत्ति आभूषण के तौर पर उनके पास थी। 82 लाख की डिपॉजिट बैंक अकाउंट में, और एग्रीकल्चर लैंड की बात की जाए यानी कि खेत संपत्ति की बात की जाए तो 22 लाख रुपए। इसके अलावा खेतों से हटकर जमीन जायदाद की बात की जाए तो 13 लाख रुपए की संपत्ति उनके सामने आई। करोड़ों की संपत्ति मानी जा सकती है। तो ऐसे में ये संपत्ति सारे अब चिराग पासवान के। चिराग पासवान की अपनी संपत्ति की बात की जाए तो लोकसभा इलेक्शन के दौरान उन्होंने जो एफिडेविट भरे, उसमें ये सामने आई सच्चाई कि उनके पास 1.85 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी अपनी पाई गई। एसेट्स थे ये उनके, जिसमें 23.40 लाख रुपए उनके अपने अकाउंट में पैसे जमे थे। इसके अलावा 35 से भी ज्यादा लाख रुपए शेयर मार्केट में उनके थे, और जो उनका अपना घर है वो 90 लाख रुपए के यानी कि लगभग 1 करोड़ का है। उनकी माँ रीना राजधानी दिल्ली में रहती हैं अपनी बेटी के साथ, और वहीं चिराग पासवान अपने पिता के साथ ही रहे हैं। चिराग पासवान की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा इस वक्त बिहार में घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने आने वाले समय में इस लेजेसी को मेंटेन करना है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। वेल, तो ये था चिराग पासवान को लेकर हमारे इस खास प्रोग्राम में उनके कुल संपत्ति का पूरा हिसाब, पूरा का पूरा रिपोर्ट, पूरी जानकारी हमने आपको दी चिराग पासवान कैसे 1.85 करोड़ के मालिक बने। और इस वक्त भले ही बिहार में यूथ आइकन चिराग पासवान बॉलीवुड से पूरी तरह से दूरी बनाने के बाद राजनीतिक चेहरा बनकर लोजपा पार्टी को संभाल रहे हो, लेकिन ये सब जानते हैं कि चिराग पासवान बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी अच्छे अच्छे कलाकारों को संपत्ति के मामले में पीछे छोड़ने के लिए इकलौते ही बहुत ज़्यादा आगे निकल आए, सितारे बन चुके हैं राजनीतिक इंडस्ट्री में। खैर, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। ऐसे ही तमाम फिल्म इंडस्ट्री और देश दुनिया के बड़े शहरों के बारे में जानने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।